कसरावद जनपद पंचायत क्षेत्र की ग्राम पंचायत बिठेर में वन विभाग की जमीन पर अमृत सरोवर तलाई बन गया है। वहीं रासी और बंदरवाट जांच की मांग उठ गई है। ग्रामीण प्रकाश नायक द्वारा बताया गया कि मैं ग्राम पंचायत बिठेर के ग्राम टांडा का रहने वाला हूं। उनके गांव में 500 जॉब कार्ड हैं और उनके गांव में किसी भी एक व्यक्ति को मनरेगा में कार्य नहीं दिया गया है और न ही किसी के खाते में आज तक राशि डाली गई है। यह ग्राम पंचायत के सचिव झूठ बोल रहे हैं कि 200 लोगों को प्रतिदिन काम करवाया गया है। वहीं ग्रामीण राजा राम ने बताया कि जिस जगह पर अमृत सरोवर तलाई बनाई गई है वह जमीन वन विभाग की जमीन पर और वन विभाग की जमीन ग्राम पंचायत गवला पंचायत क्षेत्र के साडली पर बना दी है। पंचायत की सीमा छोड़कर वहीं वन विभाग की जेसीबी मशीन से 10 घंटे पोक लेन 5 घंटे और टैंकर 5 दिन कार्य कर बना दिया गया है। जन सहयोग से मनरेगा के अंतर्गत अमृत सरोवर भी बनाया गया है और मजदूरों से भी कार्य कराया गया, मगर मजदूरों के खाते में राशि नहीं डाली गई है, जबकि लागत 14,81,000 रुपए है। ग्रामीणों का कहना है कि उक्त स्थान की जांच वरिष्ठ पदाधिकारियों के द्वारा कराई जाए तो सत्यता खुद ब खुद सामने आ जाएगी। इस संबंध में पंचायत के रोजगार सहायक दीपक देवले द्वारा बताया गया कि लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं। पंचायत द्वारा जिन मजदूरों ने मनरेगा में कार्य किया है उनके खातों में पेमेंट डाला गया है। वहीं सचिव यशवंत वर्मा से मीडिया ने पूछना चाहा तो वह कुछ कहने को पहले ही बिना जवाब दिए चले गए और कहा कि मुझे इस मैटर में कुछ नहीं कहना है। जनपद पंचायत सीईओ मीना झा द्वारा बताया गया कि मीडिया के द्वारा संज्ञान में आया है, वे इस मामले की जांच कर कुछ ही बता पाएंगी। नहीं, ये अभी अमृत सरोवर तलाई जो बनी है खेत में, ये 14,81,000 रुपए की बता रहे हैं। इसमें कोई काम पे गया है तुम में से कोई? या तुमको कोई डोंडी पिटवा करके कोई सूचना वगैरह कर दी थी? सरपंच मंत्री कोई नहीं बोला ऐसा? हाँ। और दूसरे लोग गए थे क्या? कोई भी नहीं गए? कोई भी नहीं गए, बगैर मजदूर की मशीन से बनी है। मशीन से बनी होगी उधर, उनके थोड़ा बहुत बड़ी पे है। हाँ। 5-10 इधर तो कोई नहीं गए। कितने सर तुम्हारे समाज? कितने? हमारे 250 घर की बस्ती है बंजारा। बंजारा समाज? हाँ। एक को भी नहीं ले गए? काम एक को भी नहीं ले गए, कुछ काम भी नहीं देते हमारा, कुछ फायदा नहीं आता। हमारा जॉब कार्ड तो डिलीट कर रखा है पंचायत में। कितने लोगों को ऐसे डिलीट कर रखा है? पूरे टांडे में कम से कम 400-500 जॉब कार्ड होंगे बंजारे के। बंजारे? हाँ, तो वो सब बंद कर रखा है। अभी बताया गया उन लोगों के द्वारा कि हमारे यहाँ पर 200 लोगों ने डेली एक महीना कार्य किया है। एक टांडे के बंजारे के एक लड़के एक आदमी एक भाई कोई काम पे नहीं गए। कौन सी पंचायत है ये? ये बिठेर पंचायत। तो ये सब 14,81,000 मतलब 81,025 का। कितने मजदूर चले इसमें? इसमें सब अभी कंटिन्यू टू इसका लेबर का काम चालू है और मजदूर इसमें 60% चला हुआ है, 60-70%। कितने लगभग कितने होंगे मजदूर? 100-200 के लगभग। 200 मजदूर जी। कितने दिन चले? कंटिन्यू टू ये महीने भर चले। एक महीने चले 200? जी जी। और जेसीबी 40% कितने दिन चली? ये तो सब 3-4 दिन के लगभग। 4 दिन मतलब 24 घंटे चली है? 12 घंटे के साथ? 12 घंटे। 12 इसमें इसमें जन सहयोग द्वारा चली गई है जेसीबी। अच्छा, ये फॉरेस्ट की जमीन है, इसका परमिशन है आपके पास? हाँ, नहीं, ये हमारे पास परमिशन है इसकी, फॉरेस्ट से। फॉरेस्ट की परमिशन है। ठहराव प्रस्ताव हुआ? ठहराव प्रस्ताव हुआ है, ग्राम सभा में अनुमोदित है जी। क्या नाम आपका? दीपक देवले, ग्राम रोजगार सहायक बिठेर। नहीं, यदि वन विभाग के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य किया जाता है तो पहले वन विभाग से अनुमति प्राप्त होती है और बिठेर ग्राम पंचायत में भी वन विभाग द्वारा अनुमति दी गई है, उसके बाद ही वहाँ पर अमृत सरोवर का निर्माण किया गया। उसमें मजदूरों को भाग नहीं दिया गया मैडम, मजदूरों का कहना है? नहीं, ये जांच का विषय है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देती हूँ, अमृत सरोवर योजना के तहत यदि कहीं जेसीबी चली है तो वो जन सहयोग से चलाने का प्रावधान था, तो वहाँ पर जन सहयोग के माध्यम से जेसीबी चलाई गई।